शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सोहेल भाई तो दुकान ओपन करवा के गए थे। सोहेल भाई रेगुलर आते हैं ना? नहीं सर, मतलब आ सकते हैं, घर का प्रोडक्शन है। नहीं पर इस बार डिफरेंट है जी, सिनेमा हॉल नहीं, इस बार स्टेडियम की सौगात है। कभी विकेट तो कभी रनों की बौछार है। और सर, सोहेल भाई की दमदार टीम को देख के लगता है शिकार पे निकली शेरों की बारात है। हम लोग स्ट्रगलिंग क्रिकेटर्स हैं। ना जी सर, ना 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 ना, आज अगर आपको कोई देखे तो आप असरदार सरदार हैं। देखिए आपका पहरावा, देखो भाई, देख लो सोहेल भाई को और अन्ना को देख के लगता है कि इधर शूटिंग रोके, सबसे पहले तो हम जिम जाएं। अरे वाह, मतलब कितने फिट हैं। मतलब मैं हमेशा सोहेल भाई को भी ये बात बोलता हूँ, अन्ना आप भी जब, मतलब जब भी देखता हूँ कसम से, फिर क्या शर्म आती थोड़ी थोड़ी कि यार हमें भी करना चाहिए। आप सब भी जाया करो। और इस बात पे ना एक बात और कह दूं जी, सबसे आसान है मोटा होना, खाए जाओ बकर बकर खाए जाओ, पराठे खाओ, ये जो मर्जी करे जाओ, और सबसे मुश्किल है ऐसा बनना। बिल्कुल ऐसा बनना सबसे मुश्किल, ये मेहनत है, तपस्या है गुरु। ठोको मत रोको, तपस्या है ना। मैं चाहूंगा कि सोहेल भाई आप लोग ही बताइए कि आज जी जो आप यहाँ पे आए हैं वो किस वजह से आए हैं। सोहेल भाई प्लीज आप बताइए। इनफैक्ट पाजी बहुत रिलेट करेंगे इस चीज से। करीबन 9-10 साल पहले जी, देयर इज अ जेंटलमैन कॉल्ड विष्णु इंदूरी, वो हमें मिलने आए और उन्होंने कहा कि उनको एक क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू करना है वेयर हिंदुस्तान के जितने भी इंडस्ट्रीज हैं जी उनको जोड़ के और जो भी सेलिब्रिटीज है सब साथ में क्रिकेट खेलेंगे। वो आइडिया तो बहुत ही बढ़िया था कि क्योंकि हमें सबको एक शौक है बचपन से कि स्टेडियम में जाके क्रिकेट खेलना, और वो हमें सबको एक मौका मिल रहा था। लेकिन जो नॉलेज और जो लव हमेशा क्रिकेट के लिए हुआ है, जो एक मैंने अपने वालिद साहब में देखा है, वो जो उनका जो प्यार है क्रिकेट के लिए, और दूसरे अन्ना, तो मैं अन्ना के पास गया और मुझे जेन्युइनली लगा कि जो हमारी टीम है जो मुंबई को रिप्रेजेंट करेगी, करीबन 7-8 दिन या एक हफ्ता लग जाएगा जी उसको जुड़ने में। उस वक्त मैंने इस आदमी का पावर जाना, हमारी पूरी 14 की टीम अच्छा जी 5 मिनट में कंफर्म हो गई थी विद वन कॉल। और मैं आपको एक बहुत मीन चीज बताता हूँ रिगार्डिंग कपिल पाजी, हम खेल रहे थे डीवाई पाटिल स्टेडियम में। मैंने डीवाई नहीं कही, अरे डीवाई पाटिल स्टेडियम में। तो ये आए और आप सीरियसली मेरे पास आते और कहते कि आप भाई 1.5 घंटे लगते आने में, 1.5 घंटे लगते जाने में, आप 1 घंटा तो खेल लो। एक्चुअली ये जो नया फॉर्मेट आया ये आपकी वजह से आया है। अच्छा, कि आप 2020 मत खेलो, T10 खेल लो। अच्छा। तो इतने विकेट नहीं जाएंगी। तो CCL की टीम से, मुंबई हीरोज से सोहेल भाई और सुनील सर तो यहाँ आए ही, लेकिन अब वक्त है बाकी टीम्स के कैप्टन्स और प्लेयर्स को यहाँ पे इनवाइट करने का, जो कि अपनी अपनी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज सुपरस्टार्स भी हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भोजपुरी दबंग से मिस्टर मनोज तिवारी जी और दिनेश निरहुआ। एक बार मनोज भाई और निरहुआ जी के लिए जोरदार तालियां जी। जब भी आवत है जब भी आवत है सबका मन भावत है। वाह वाह, यूपी से बिहार तक मन में मृदुंग बजावत है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? एकदम एकदम सर। मनोज भैया अपने गीतों से ऐसी आग लगावत है कि 80 साल का बुजुर्ग भी वाइब्रेशन मोड पे आ गया। क्या बात, क्या ठोको मत रोको, क्यों नहीं रहुआ, क्या बात है, ऐसा प्यार बीजेपी और कांग्रेस का किसी ने नहीं देखा। याद आ बोलने वाला था, बड़ा शरारती है तू, बहुत गठबंधन का मौसम भी चल रहा है। हम लोग बस यही कहना चाहते हैं जो CCL में खेलते हैं पाजी, तो हम लोग इस लाइनों के साथ खेलते हैं। गा के सुनाओ थोड़ा। हाँ जरा सा सुर दे दीजिए ना मुझे। हम तो इसी बहाने, क्या बात है, पढ़ लेते देश सारा सारा,
सारे जहां से अच्छा दोस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा तेलुगु तमिल मलयालम वाह बॉलीवुड के सितारे हाय भोजपुरी बंगाल कन्नड़ा हम सब न हिम्मत हारे बल्ले से भी दिखाते हैं सिद्धू का जौहर सारा सारा सारे जहां से अच्छा हम लोग इस भाव से खेलते हैं कपिल भैया जी एक तो तुम फिर से आ गए ना बड़ा मजा आ रहा है सर लव यू कई लोग मिलते थे किधर है हमारे गांव में लोग कहे कपिलवा कहां बाहो आज कल चलता मुझे भी पूछा कपिलवा कहां है मैं कहा ट्विटर पे है तो अभी तो शुरुआत हुई है अब मैं बुलाना चाहूंगा यहां पे कर्नाटका बुलडोजर से मिस्टर सुदीप किचा हमारे सुदीप जी सुपरस्टार आप सबने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा पाजी मक्खी कमाल थी क्या बात है अब जोरदार तालियां हो जाएं तेलुगु वॉरियर से मिस्टर सचिन जोशी और मिस्टर सुधीर बाबू वेलकम वेलकम सर वेलकम अब इनवाइट करना चाहूंगा केरला स्ट्राइकर से मिस्टर राजीव पिल्लई बंगाल टाइगर से मिस्टर जीशु सेन गुप्ता और पंजाब के शेर से मिस्टर नवराज हंस जोरदार तालियां नवराज आपका बहुत बहुत स्वागत है सारी इंडस्ट्रीज से यहाँ पे तमाम दिग्गज कलाकार यहाँ पे मौजूद हैं और मैं तो ये कह रहा हूँ इतने लोग तो सामने नहीं जितने यहाँ पे हैं जोरदार तालियां हो जाए हमारे सारे सुपरस्टार्स के लिए सर प्लीज विराजमान हो जाइए ऊपर आ जाए उधर बैठेंगे सर नहीं 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 कोई बात नहीं सर नहीं नहीं सर आप अरे सर प्लीज प्लीज ऐसा मत करो सर अरे मैं तो नहीं नहीं सर ठीक है नहीं बिहार और पंजाब एक साथ बिहार बंगाल छोड़ पूरा हिंदुस्तान है ये सुहेल भाई देखो पहले जो मैं प्रोड्यूस करता था शो से चाय भी नहीं आती थी सलमान भाई आए पपीते आने लगे वेरी बिग बजट अच्छा मैं ना हमेशा सिद्धू भाजी को हमेशा छेड़ता हूँ कि पाजी आपने कितने सारे काम किए आपने क्रिकेट खेला कमेंटेटर बने आपने पॉलिटिक्स की टीवी शोज भी करते हैं पर पाजी देख लो आप मनोज भाई ये सिंगर भी हैं एक्टर भी हैं पॉलिटिशियन भी हैं क्रिकेट भी खेल रहे हैं सर आप टैलेंटेड ज्यादा हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है मतलब आपको मजा किस चीज में आता है सर मुझे पता मैंने पहले ही सोहेल भाई को बोला था कि आप गलत जगह ले जा रहे हम लोगों को हम लोगों की बनाने से ज्यादा उतारेगा अरे भाई सर पर अपने क्या दाल फुल्का जो अपनी है वो इन्हीं बातों से चलता है इसलिए ऐसी करनी पड़ जाती है पर वैसे आपको मजा किसमें आता है मनोज जी गाना गाने में एक्टिंग करने में पॉलिटिक्स में या क्रिकेट खेलने में नो डाउट मुझे गाना गाने में बहुत मजा आता है अच्छा जी वाह बट इस समय सच पूछिए तो वो सिद्धू पाजी भी जानते हैं जी पॉलिटिक्स बहुत कठिन है बट हम फिर भी इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा उसको मजा लेने की कोशिश करें मजा इसलिए आ रहा है कि अभी आपका 5 लाख रुपया तक इनकम टैक्स फ्री है देखो 5 लाख इनकम टैक्स फ्री करने के लिए 5 साल लगे क्यों जी 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 हाँ जी बीजेपी वो पाजी क्या थोड़े थोड़े इंतजाम करने पड़े ना थोड़ा इंतजाम किया थोड़ा काम किया रस्ते बनाए ये फंस गया सर बैठ जाओ सर मेरे ना सवाल ही मेरे वॉश हो गए सारे मेरी हाथ जोड़ के बिनती मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है हम तो हर एक सरकार में हंसाते हैं इन लोगों को हमें माफ किया जाए